नमस्कार। क्या बिहार विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा मोर्चा भी होगा? यह सवाल तो आपके जहन में जरूर चल रहा होगा, क्योंकि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब तक जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसके मुताबिक एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर होने की संभावना बन रही है। अभी तक बिहार में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो स्वरूप है, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के अलावा रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। अब बात करें महागठबंधन की, तो इसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसाफ पार्टी यानी वीआईपी है। इन सब के अलावा बिहार में कुछ और छोटे छोटे दल भी हैं, जो बिहार के सियासी समीकरणों में बहुत कुछ खास तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई इलाकों में इनका थोड़ा बहुत प्रभाव और जनाधार देखने को मिल जाता है। इनमें वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी माले और उत्तर प्रदेश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जिसकी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन की लहर चल रही थी, तभी भाकपा माले ने बिना किसी प्रचार और तामझाम के 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया था। बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में कभी ज्यादा मेहनत करती हुई दिखाई नहीं देती, बावजूद इसके एक समय में 5 विधायक तक जीतकर बिहार विधानसभा में पहुंच चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो बसपा है, उसका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। फिर भी इन दोनों दलों यानी माले और बसपा की स्थिति ऐसी नहीं कि वो बिहार की अधिकांश सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। हाल फिलहाल तो ऐसा होता हुआ दिखता नहीं, यानी कि ये दोनों ही दल ना तो अकेले अकेले और न ही कोई मिलकर कोई तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। वैसे बहुजन समाज पार्टी अक्सर गठबंधन की बजाय एकला चलो की राह ज्यादा अलापती है। अब बात जब बिहार में तीसरे मोर्चे की चल रही हो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राजेश रंजन और पप्पू यादव बिहार में तीसरे मोर्चे की पैरोकारी करने वाले सबसे बड़ा नेता हैं। राजद के साथ संबंध बिगड़ जाने के बाद इन्होंने 2010 के ही बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदि के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया था, लेकिन यह तीसरा मोर्चा भानुमती का पिटारा बनकर रह गया। पप्पू यादव इन दिनों भी तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। और इन सबके साथ एक और नाम की चर्चा नहीं भूली जा सकती, वह हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन। मजलिस ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में खुद को काफी तेजी से मजबूत किया है। विशेष तौर पर सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी की लोकप्रियता मुस्लिम युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर तकरीबन 2.25 लाख वोट हासिल करने वाली एमआईएम ने मुस्लिम बहुल किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को हराकर यह सीट अपने नाम कर ली और बिहार विधानसभा में अपना खाता खोल लिया। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा। इंतजार कीजिए और आगे आगे देखिए अभी होता है क्या। धन्यवाद।